वालदा की इताअत पर अल्लाह का इनाम। बनी इसराइल में एक यतीम बच्चा हर काम अपनी वालिदा से पूछ कर करता था। उसने एक खूबसूरत गाय का बिछड़ा पाल रखा था, वो हर वक्त उसकी देखभाल में लगा रहता था। एक मर्तबा एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में इस लड़के के पास आया और उसने गाय खरीदने का इरादा जाहिर किया। लड़के ने पूछा कि तुम ये गाय कितने में लेना चाहते हो, तो फरिश्ते ने उनकी बहुत कम कीमत बताई। लड़के ने कहा कि मैं अपने माँ से पूछ के आता हूँ कि मैं इतने में दे दूं। लिहाजा वो माँ से पूछने चला गया और आके कहने लगा कि मेरी माँ मना कर रही है। फरिश्ते ने कुछ कीमत और बढ़ाई तो उसने कहा कि मैं फिर माँ से पूछ कर आता हूँ। इसी तरह फरिश्ता थोड़ी थोड़ी कीमत बढ़ाता गया और वह लड़का हर दफा अपनी माँ से पूछ के उसे जवाब देता रहा। आखिर में इस लड़के ने कहा कि मेरी माँ इसे बेचना नहीं चाहती, चाहे तुम कितनी भी कीमत दे दो। फरिश्ते ने कहा कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि हर काम अपनी वालिदा से पूछ कर करते हो। अनकरीब तुम्हारे पास इस गाय को खरीदने के लिए लोग आएंगे, तुम उनसे इसकी बहुत ज्यादा कीमत मांगना, वो तुम्हें देंगे। उन्हीं दिनों बनी इसराइल में एक कत्ल हो गया, उसके कातिल का नहीं मालूम हो रहा था। वो लोग हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के पास गए कि हमें कातिल को पकड़ने का कोई तरीका बताए। उन्होंने कहा कि जैसा मेरा अल्लाह मुझे बताएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को वही के जरिया मालूम हुआ कि उनसे कह दो कि ये एक ऐसी गाय ले जिसकी निशानियां बता दी गई और इसको जबह करके इसकी जबान इस मकतूल को हल्के से मारगे तो वो जिंदा हो जाएगा और अपने कातिल का नाम ले लेगा। चुनांचे जो निशानियां बताई गई थी वो इस लड़के की गाय में पूरी उतरती थी। उन्होंने वो गाय हर हालत में खरीदनी थी। इस लड़के ने कहा कि मैं ये गाय उसके वजन के बराबर सोना लेकर दूंगा। उन्होंने इतना सोना दे कि इससे गाय खरीद ली। इस तरह इस यतीम लड़के को माँ की फरमाबरदारी का बेहतरीन सिला मिला।